कहाँ हो सर? हाँ बताओ। मैं तो यहाँ गिंदर बैठूँ कचहरी पर, तुम कहाँ मिलो ये बताओ। अरे भैया पैसा ट्रांसफर करा तो कराओ, मैं टेंशन कर रहा हूँ फार्म को। हैं? गिंदर पहुँच जाओ, फार्म का पैसा करा दो मेरे पास। मैं कहाँ हो तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारे ढिंगा आऊँ। चंदौती हूँ, चंदौती आ जाओ। और अब आज तक सवेरे कह रहे कि तुम गिंदर आ जाओ, अब मुझे कह रहे हैं चंदौती आ जाओ। भैया तो मैं कोई खाली ना बैठा हूँ तुम्हारे तरह, डीएम साहब की मीटिंग है, डीएम साहब के साथ में चलना हूँ। हैं? अब तुम कहाँ हो? मैं गिन्नौर हूँ इस समय कचहरी पे। दिन से मैं आज दिन से मैं कंधे में मिठाई कराओ फटाफट जाकर। हैं? दिन से मैं कंधे पे जाके आप मिठाई करा दे। किस बात की? हैं? किस बात की हवाई दे? संबल में चकबंदी महकमे के लेखपाल की गुंडई सामने आई है। पेमाइश के बदले लेखपाल ने किसान से रिश्वत मांगी, रिश्वत ना देने पर किसान को गाली दी और किसान की लड़की से रेप की धमकी दी। लेखपाल की गुंडई और रिश्वतखोरी का मामला चकबंदी विभाग गुन्नौर का है, जहां के एक लेखपाल ने गांव के फरीदपुर के बुजुर्ग किसान राजेंद्र को फोन पर पेमाइश के बदले रिश्वत मांगी। किसान ने जब रिश्वत पर ना नुकुर की तो लेखपाल ने गंदी गाली दी। किसान ने भी गाली का जवाब गाली से दिया, जिसके बाद लेखपाल ने उसकी लड़की से रेप की धमकी दी। यही नहीं, उसने किसान की यादव जाति का नाम लेकर जाति आधार पर रेप की धमकी दी। पीड़ित परिवार ने लेखपाल की गुंडई का ऑडियो वायरल किया है। मामले पर एसडीएम गुन्नौर ने जांच की बात कही है। रेप की धमकी पर एसडीएम ने कहा कि तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। तो क्या नाम है आपका? राजेंद्र। कहाँ रहते हैं? अच्छा, कानून को के और आपके बीच में ऑडियो जो रुपयों की ऑडियो है, गाली गलौज हो रही है, क्या है पूरा बताएंगे? गलाली के पैसे मांग रहे। कौन मांग रहे? कानून साहब। कितने रुपए मांगे थे? 10,000। अच्छा, किस बात के? 440 441 नाफी दे के जमा करी दे के। तो आपने दे दिए थे? नहीं। लेखपाल का ऑडियो वायरल हो रहा है, इसमें रिश्वतखोर की बात कर, उसके अलावा गंदी गाली भी दे रहा है, रेप करने की धमकी दे रहा है, क्या है मामला, क्या कार्रवाई हुई इसकी? चकबंदी विभाग का एक लेखपाल का ऑडियो वायरल है, इसमें अभी जानकारी मिली है, कोई लिखित शिकायत तो प्राप्त नहीं हुई है। उसी की जो ऑडियो भैया उसी को एसओसी साहब को भेजते हुए जाँच के लिए भेजा जा रहा है, और अगर किसी का लिखित शिकायत प्राप्त होती है तो उसको अलग से जाँच करते हैं। जाँच लायक है सर, ये मुकदमे लायक है? वो रेप की धमकी भी दे रहा है सर, जाति आधार पर सर। हाँ, तो जो जिसे धमकी दी गई है वो अभी कोई शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं हुआ है, अगर ऐसा पाता है तो उसमें संबंधित धाराओं में जो है मुकदमा भी दर्ज किया। ये कौन लेखपाल है, क्या इनके कुछ नाम? अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है, चूंकि केवल ऑडियो ही अभी प्राप्त हुआ है, तो उसी ऑडियो की जाँच की जा रही है, कौन लेखपाल है और कहाँ पे है।